बोलो, प्यार से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच की ओर मुंह कर लें, पूर्ण विश्व कुर्सी का मुंह 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। न तो लोकल मुस्लिम्स को कोई एक्साइटमेंट है, वो तो अगर मस्जिद बन भी गई तो अभी ये भी नहीं पता कि वो लोग उसमें नमाज़ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। लेकिन तो अब लेकिन बनना बहुत दूर की बात है। और देखिए, मस्जिदों की कमी तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो मकसद था, जो उसके जजमेंट में लगता है और जो इस्माइल फारूकी केस में तय हो चुका था कि इसी एक्वायर्ड लैंड पर मस्जिद भी बनेगी, मंदिर भी बनेगा, लाइब्रेरी होगी, म्यूज़ियम होगा, ये एक्ट का मकसद है और उसको अफोर्ड किया जा चुका है, तो वो तो बन नहीं रहा है। इन्होंने तो पूरी सरसड़े का ज़मीन जो है वो ला के उसको दे दिए ट्रस्ट को, हिंदू मंदिर वाले ट्रस्ट को, तो ये तो एक्ट का मकसद ही नहीं था। धान की फसल है, अब ट्रस्ट का निर्माण तो हो ही गया है, लेकिन अब वो क्या नाम है सुन्नी वक्फ बोर्ड अगर चाहेगा, अगर वो उसकी मंशा है बनाने के, तो सरकार तो दे ही दी है सुप्रीम कोर्ट, वो बना सकता है, लेकिन अभी उसके पैसे कमी है शायद। अगर उत्तर प्रदेश सरकार दे दे 200-500 करोड़ तो शायद बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दी नहीं तो मिली कैसे, अगर वो दे दे तो आज वहाँ भी बन जाए। हम तो चाह रहे कि वहीं दे दें, लेकिन जब यहाँ दिए हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट के आगे तो हम लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम उनका सम्मान जरूर करेंगे उनके फैसले का, तो यहीं दिए तो यहीं बने। उन्नीस सन 49 से लेकर के 70 साल मुकदमा चला है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पूरी दुनिया जानती है कि 70 साल में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया जो है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कोर्ट का सम्मान किया। अब कोई विवाद हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का नहीं रहा। वो ज़मीन मिली है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की, उसका मालिक वक्फ बोर्ड है, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। इबादत गाह की कोई कीमत नहीं होती, उसको हम खरीद फरोख्त नहीं कर पाएंगे। और आप अगर, हम तो जाहिल हैं, हम जाहिलाने में इतनी बात बता रहे हैं, लेकिन जितने उलमा के करीब जाएंगे आप लोग, वो गहराई से आपको बताते रहेंगे। मेरा इस्लाम कभी मस्जिद को बेचने नहीं कहता और ना बिकी,